कल वैलेंटाइन डे था और मैं जानता हूं कि बहुत सारे दिल ऐसे होंगे जो कि टूटे होंगे कई जुड़े होंगे और कई लोग ऐसे रहे होंगे जो इस बार भी हिम्मत नहीं कर पाए होंगे जैसे कि मेरा एक दोस्त है मैंने कहा कि शेर दिल बन जाके लड़की को कह दे कि वुड यू लाइक टू बी वैलेंटाइन वो लड़की के पास गया और जाकर कहता है सिस्टर वॉट इज द टाइम अब मैंने कहा भाई शेर दिल बनने को कहा था ये क्या कराया क्यों शेर दिल जो है वो सिर्फ बॉयफ्रेंड ही हो सकता है मतलब भाई भी तो शेर तो लो सकता है और खबरदार मेरी अगर सिस्टर के बारे में कुछ भी कहा तो हाँ। चलिए इसी जोश के साथ ये शो शुरू करते हैं जहां की खबर बनने वालों की खबर बनाने वालों की खबर सुनाने वालों की खबर लाने वालों की सबके लिए खबर शोज कॉल लेते हैं खबर विद मी वारुन बडोला आज लेते हैं खबर में जानेंगे कि कहा 28 साल बाद जन्मा कोई बच्चा ना। ना। किसने कहा कि लाहौर में दाऊद से मिले मोदी अनुष्का ने क्यों जड़ा सलमान भाई को थप्पड़ लेकिन सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अतरंगी खबर दो साल में चौवन बच्चों के बाप बन गए इंग्लैंड के एक इंसान हाँ? चौवन फिफ्टी फोर एक मिनट लेट मी कैलकुलेट दिजाब किताब ऑफ दिस मैन चौवन दो साल में एक बच्चे को लगते हैं नौ महीने चौवन बच्चों के लिए लगेंगे चार सौ छियासी महीने तकरीबन साढ़े चालीस साल साढ़े चालीस साल की परफॉर्मेंस सिर्फ दो साल में दे डाली मतलब आदमी है क्या है ये अंग्रेज बड़े फास्ट होते हैं मुझे लगता है इनके पास टेक्नोलॉजी भी जो है ना हमेशा से ज्यादा बेटर थी चौवन बच्चे दो साल में मतलब हर तरह के उत्पादन के जो है ये रिकॉर्ड तोड़ दिए इस इंसान ने ये है इंग्लैंड के डिक्लेन रूलिंग चौवन बच्चों के बाप वैसे आपको बता दूं कि ये चौवन बच्चों में से इनके अपने खुद के बच्चे सिर्फ आठ ही हैं पर्सनल आठ है बाकी इन्होंने अपने स्पर्म्स डोनेट कर करके औरों के घर में चिराग रोशन किए हैं मतलब कि ये इंग्लैंड के विकीट डोनर हैं वैसे हिंदुस्तान में भी विकी डोनर फिल्म देखने के बाद कई लड़के ऐसे थे जो अपने सैंपल्स हाथ में लिए डॉक्टर बलदेव चड्डा का क्लिनिक ढूंढ रहे थे <laughs> कि भाई एक बार अगर मिल जाए तो बात बन जाए मतलब काम का काम का और दान का दान अब जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं ना सोचिए अगर आ, स्पर्म डोनेशन कैंप ऐसे लगने लगे और कोई पिता जो है अपने लड़के को वहाँ लाइन में खड़ा हुआ देख ले घर <laughs> में आगे अपनी पत्नी को बोलेगा अरे सुनते हो अरे बचवा की अम्मा हमारे बचवा जो है वो कैंप की लाइन में खड़ा दिखा हमें खुशी हुई देख के आज खाने में में कुछ मीठा बना लो। लाउंडा जो है अपना जवान mm -hmm. वैसे एक लाउंडा सेल्फी के चक्कर में जेल भी उसके इंप्लॉयज कितने इंटेलिजेंट होंगे लड़के लड़कियां तो वहां काम करते ही हैं। उनके साथ साथ कोई और भी है जो गूगल में काम करता है गैस कीजिए कौन चलो हिंट देता हूं बकरी हाँ बकरिया जी हाँ प्रतिदिन 200 सौ बकरियां गूगल के यहाँ काम करने आती हैं अब इन बकरियों का काम क्या है ऑब्वियसली बकरिया क्या करेंगी घास चरेंगी अब गूगल के विशाल लॉन में लगी हरी हरी घास जो है ये बकरियां चढ़ती हैं जिससे इनका पेट तो भरता ही भरता है घास की ट्रिमिंग भी हो जाती है अब गूगल ने घास ट्रिम करने के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि एक तो वो धुआं बहुत निकालती है दूसरा आवाज बहुत करती है जिससे एम्प्लॉयज को बहुत परेशानी होती है तो बकरियों को छोड़ दो मतलब बकरिया सारी सारी घास भी चढ़ जाएंगी किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी और तो और दिन के आखिर में आपको दूध देंगे वो वो अलग पक्का ये खबर सुनने के बाद वो सारे बाप जिनके बच्चे इंजीनियरिंग करके घर पे खाली बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी पत्नियों को कहा होगा भगवान अरे इससे अच्छा था कि कोई बकरी पैदा कर देती कम से कम गूगल में नौकरी तो मिलती उसे अब जैसे इंसान की अपनी कोई किस्मत होती है वैसी बकरियों की भी होती है जरूरी नहीं है कि हर बकरी की किस्मत में गूगल में काम करना लिखा हो कहीं की किस्मत में जेल जाना भी लिखा होता है छत्तीसगढ़ <laughs> में एक बकरी को पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगलों में छलांग लगाकर मतलब दीवार कूद कर बार बार घुस जाती थी अब इस बात पर उस बकरी के मालिक को भी जेल में डाल दिया गया खैर खबर यह है कि उस बकरी की जमानत हो गई है के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट दिया गया है रिपोर्ट पे अपराध में लिया गया की बकरी को भी में है जांच वैसे हमारे एक नेता है जो कि अतरंगी बोलना नहीं छोड़ सकते उनकी भी लेंगे खबर लेकिन पहले जरा कुत्तों की खबर ले ली जाए अगर बकरी गूगल में है तो कुत्ते कहाँ हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में जी हाँ हर जगह पे जानवरों को नौकरी मिल रही है अरे वैसे जिस तरीके की हरकतें इंसान कर रहा है ना पिछले कुछ सालों से इन सब को जंगल में ही जाना पड़ेगा एनडीआरएफ 160 कुत्तों को ट्रेनिंग देगी जो कि फिर इमरजेंसी में जैसे कि बाढ़ भूकंप ऐसी सारी आपदाओं में लोगों की मदद करेंगे अब ये तो हम सब ने सुना है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो कुत्तों को सबसे पहले पता चल जाता है मेरे पास दो हैं लेकिन वो जरा तो थोड़ा यू नो हटके हैं डिफरेंट हैं प्राकृतिक आपदा तो बहुत बड़ी चीज हो गई घर पर अगर कोई आ जाए ना तो पता नहीं लगता दोनों को मतलब कोई डोर दो बजाता रहे बजाता रहे ये दोनों के दोनों नो टच से मस और तो और घर में अगर चोर घुसा है ना तब भी भी नहीं भोंगते मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैंने इन कुत्तों को नहीं रखा है इन कुत्तों ने मुझे रखा हुआ है चलिए ये खबर छोड़ते हैं चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बताते हैं आपको एक लड़के के बारे में जिसने की एक सेल्फी खींची और जिसके साथ सेल्फी खींची उसने शत्रुग्न सिन्हा स्टाइल में कहा आइए देखते हैं लोग लो बात में यूपी के बुलंदशहर की महिला डीएम चंद्रकला के साथ 18 साल के शिराज को सेल्फी लेना बहुत महंगा पड़ गया डीएम ने उस पर केस कर दिया हा? जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा क्योंकि इस लड़के ने बिना डीएम की इजाजत के सेल्फी ले ली थी मुझे लगता है कि लड़के ने सोचा होगा कि हमारे मोदी साहब के साथ तो कई लोग सेल्फी खिंचा लेते हैं अब वो तो किसी को कुछ कहते नहीं है ये देखिए डीएम साहब वैसे गुस्सा कर गई खैर अब तो उन्होंने अपना गुस्सा थूक दिया है लड़के को माफ भी कर दिया उन्होंने लेकिन लड़के को भी बिना इजाजत सेल्फी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी उसे पहले एक लेटर लिखना चाहिए था कि रिस्पेक्टेड मैम सब्जेक्ट आपके साथ सेल्फी लेना उसके बाद चिट्ठी कि मैं बहुत सेल्फी ग्रस्त इंसान हूं और इसलिए मुझे कृपा करके एक सेल्फी लेने की अनुमति दी जाए आपका आज्ञाकारी सेल्फी में भविष्य देखने वाला नौजवान फिर एप्लीकेशन डाली जाती फिर इस एप्लीकेशन को अप्रूव होने में कुछ दो या तीन महीने लगते हैं सरकारी काम न इतना टाइम तो लग ही जाता है उसके बाद कहीं जाके लड़के को अनुमति मिलती क्चुअली वै बी राइट प्रोसीजर लेकिन लड़के ने सोचा कि भाई सलमान भाई ने कहा ना कि चल बेटा ले ले सेल्फी ले ले रहे उसने डीएम साहिबा के सामने जाके बटन दबा दिया और डीएम साहिबा ने लड़के को रिमांड पे ले लिया आजकल क्या है ना कि सेल्फी ली नहीं जाती है ये निकल जाती है अपने आप जैसे हंसी निकल जाती है लोगों की ये सेल्फी जो है हमारे अंदर इस तरीके से घुस चुकी है मतलब हमारे शरीर का एक हिस्सा बन गई है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि सेल्फी लेना इज अ फंडामेंटल राइट करें दोस्ती ना कहूंगा का डर जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। वरुण बटोला अगर दो शादियां ना की तो हो जाएगी उम्र कैद टेंशन मत दीजिए हमारे आगे खबर नहीं कहीं और की बात चल रही है ये खबर भी आपको सुनाएंगे लेकिन पहले सुनते हैं बेग न्यूज समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान जय मजेदार खबर आजम खान समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान जी का कहना है कि पीएम मोदी जब पाकिस्तान गए थे तब वहां वो दाऊद इब्राहिम से भी मिले थे <laughs> <laughs> उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें कोई चैलेंज करे इस बात पे तो उनके पास इस बात का पक्का सबूत भी है पाकिस्तान सारे कानून इंटरनेशनल लाश तोड़कर जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उन्हें तोड़कर प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए तो दाऊद से भी मुलाकात हुई उनकी खंडन करें मैं सबूत दूंगा बंद कमरे में किस किस से मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ की वालदा थी उनकी बीवी थी उनकी बेटियां थी और दाऊद अब नेता या स्टैंड कॉमेडियन है मतलब कुछ भी बोलते अब उनकी बात अगर मानी जाए तो उस बंद कमरे में जहां पे कि नवाज साहब और मोदी साहब बैठे थे उनकी बेटी और बीवी भी साथ में थी उस कमरे में दाऊद इब्राहिम भी मौजूद थे देखा ये आजम साहब की अपनी खुद की इंटेलिजेंस है एफ से ज्यादा तेज निकले मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस वालों को जो है ना आजम खान को नौकरी पे रख लेना चाहिए ये दाऊद तो छोड़िए बहुत छोटी मोटी चीज़ है दुनिया के हर आतंकी की खबर इनके पास होगी अब इस मुद्दे पे चलिए बात करते हैं अपनी चुगलखोर मोहल्ले की चुगल चाची से तो कबीर जी चुगल चाची को फोन लगाया जाए ओए नहीं तेरे को पता है विराट और अनुष्का अभी भी छुप छुप कर मिलते हैं चाची क्या बोल रही हो हाँ वरुण नहीं कुछ भी तो नहीं मैं तो मोहल्ले में बैठी स्वेटर बुन रही हूँ और थोड़ी गॉसिप कर रही हूँ चाची ये आजम खान जी ने जो कहा ये आ, कि पीएम मोदी जो है पाकिस्तान में दाऊद से मिले थे ये क्या हाय हाय भी दिया उसने बड़ा तेज निकला तेज कैसे मतलब मैं कुछ समझा नहीं तेजी तो हुआ अभी पिछले हफ्ते एक बुड्ढी हमारे यहाँ बैठी हुई थी उसने वैसे ही बोल दिया था और लगता है उसके कान रडार से भी ज्यादा तेज है और कानून से लंबे उसने राह चलते कहीं सुन लिया होगा और बस छा गया खबरों में हाँ लेकिन ये अभी आजम साहब का कहना ये है कि उनके पास तो सबूत है इस बात का कि ये दोनों दोनों मिले थे हाँ तो उसने पीछा किया होगा उस बुडी माता का उसका घर देख लिया होगा बस वही सबूत हो सकता है इसके पास लेकिन चाची ये सब ये बयानबाजी करते क्यों है मतलब समझ में नहीं आता अभी हम दोपहर में पेड़ के नीचे सभी इकट्ठे होकर गॉसिप क्यों करते हैं टाइम पास और मजे का मजा भी ओ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो चाची आप ये कहना चाहती हैं कि ये सब कुछ टाइम पास के लिए कहते हैं नहीं नहीं ये नेता हैं ये टाइम पास क्यों करेंगे ये तो बस टीवी और न्यूज में आने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आजम साहब अगर ऐसी और गलत खबरें चाहिए तो हमारी टीम को हायर कर लीजिए फिर देखना आपको मन घड़ खबरें बना बना कर देंगे कि आप तीन सौ पैंसठ दिन खबरों में ही रहेंगे <laughs> चलिए चाची ठीक है मैं आपको रोकूंगा नहीं आप अपनी चुगली जारी रखिए ठीक है मैं अपना शो जारी रखता हूँ तो देखा यहाँ हमारे पी मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं और आजम खान है जो मन गणत बात कहते हैं लेकिन आजम खान जी आप प्लीज अपना मुंह बिल्कुल मत बंद रखिएगा आप हर हफ्ते कोई एक ऐसा ऊट पटांग स्टेटमेंट जरूर दिया करिए क्या है ना टीवी वालों का भी तो घर है चलना चाहिए उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी अगर आप चुप बैठ गए तो सो कैरी ऑन वैसे दुबई वालों को आजकल शिल्पा शेट्टी की बहुत जरूरत पड़ रही है क्यों जानेंगे लेकिन पहले खबर नेता नगरी की आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में बीफ खाना बैंड है वेल well, सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया सही बात है तो उनको करना यह है कि जितने भी फिरंगी हरियाणा में काम करने आएंगे उनको लाइसेंस देना है बीफ खाने का मैं बता रहा हूं

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 2013 से 2015 में नेशनलाइज बैंक्स ने करीब 114 लाख करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिए जिनके वापस आने की उम्मीद इले कोई उम्मीद नहीं सबसे ज्यादा पैसा डूबा किन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक अब इनमें से ज्यादातर तो लोग जो है वो इंडिविजुअल हैं या फिर बिजनेस वाले हैं मतलब कितनी बेशर्मी है किस हद दर्जे की बेशर्मी है बैंक से लोन लेते हैं यह समझ के जैसे कि बैंक ना हो नानी का घर हो कि कोई भी चीज उठा लो उसके बाद वापस करने की कोई टेंशन ही नहीं है घर हमारी नानी का है मुझे लगता है जैसे सरकार ब्लैक मनी वालों की लिस्ट तैयार करती है ना उसी तरीके से एक और लिस्ट इनको तैयार करनी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने बैंक से कर्जे लिए लेकिन वापस नहीं किए oh, no. मतलब उसके बाद इनकी हालत ऐसी हो जानी चाहिए कि बैंक से कर्जा लेना तो बहुत दूर की बात है पड़ोस से अगर चीनी मांगनी हो ना इनको तो भी इन लोगों को शर्म आए। वैसे 28 साल के बाद कहां हुआ बच्चा पैदा सुनेंगे उस बच्चे की गिलकारियां लेकिन पहले जागुआर की सुन लें दिल्ली के हवा को साफ बनाने के लिए ऑडियन का फॉर्मूला यूज किया गया इसी बीच में जागुआर गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि उनकी गाड़ी का धुआं दिल्ली के हवा से ज्यादा साफ है मतलब यह कि जो धुआं जागुआर गाड़ी छोड़ती है वो उस हवा से काफी ज्यादा साफ है जो कि वो खींचती है मतलब किसी इंसान को अगर साफ हवा चाहिए हो तो कोई भी जागवार गाड़ी देकर उसके पीछे लग जाए सुनता रहे वहां पे हवा साफ हेल्दी और भाई साहब एक बात आपको बता दें जागवार गाड़ी साफ धुआ छोड़ती भले ही होगी कीमत देखिए इसकी खरीदते खरीदते ना बंदे का धुआं निकाल देती है साफ हवा वैसे सल्लू भाई के कान से अनुष्का ने कैसे निकाला धुआं ये भी आपको बताएंगे जानेंगे इस बारे में लेकिन पहले तनिकाक हो जाए इटली हमारे राहुल बाबा जो है उनका ननिहाल अब इटली में एक शहर है उसका नाम है ऑस्टाना अब वहां पे बनाया जा रहा है जश्न कारण क्या है कारण यह है कि 1980 के बाद 1980 के बाद अब कहीं जाकर उस शहर में एक बच्चा जन्मा है इस शहर में कुल मिलाकर चौरासी लोग बचे हैं तो अब ये बच्चा आया है तो मतलब हो गए? That's good. अगर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है इस शहर में बच्चे ने जन्म नहीं लिया कोई पुण्य हाथ अवतरित हुई है सीरियसली वहां के लोगों का तो ये कहना है कि एक बच्चे का इस शहर में जन्म लेना हमारे लिए पिछले पच्चीस सालों से एक सपना ही बना हुआ था और अब लग रहा है कि वो सपना साकार हो गया हाँ। हिंदुस्तान में ना एक मिनट में ऐसे उनतीस सपने साकार होते हैं <laughs> चलो किसी मामले में तो हम तेज निकले भगवान नजर ना लगाए हमारे श्रम को श्रम तो हमें है नहीं तो श्रम की बात कर सकते हैं दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है मतलब एक देश ऐसा है जहां पर एक शहर में 25 साल के बाद बच्चा जन्मा है और अफ्रीका में एक देश है जहां पर कि आप अगर दो शादियां ना करें तो आपको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है बताओ यार मजाक ही चल रहा है मतलब <laughs> मतलब वहां की सरकार जो है कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट वाले तो नहीं चला रहे हैं कि अपना धंधा बढ़ाने के लिए भाई दो दो शादियां करो कम से कम नहीं तो अंदर डाल देंगे अरे समझने की कोशिश करो यार एक शादी हो जाए तो उसके बाद उम्र क़ैद तो वैसी हो जाती है फिर तो चाहे एक करो दो करो चाहे सौ कर लो फर्क क्या पड़ता है कैद तो कह दी है <laughs> काहू से दोस्ती ना काहू का डर जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर विद मी बडोला अब दुबई में किसके योगा का जादू चल रहा है ये भी आपको बताएंगे उनके साथ आपका प्राणायाम भी करवाएंगे लेकिन पहले पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त हम सब के दबंग भाई मतलब कि सलमान भाई को अनुष्का ने जड़ दिया थप्पड़ अब आप सोच रहे कि भाई एक इंसान जो हल्का सा कॉलर हिलाता है तो पूरी दुनिया झूमने लगती है अब उसके कॉलर पे कोई हाथ नहीं डाल सकता तो अनुष्का ने थप्पड़ कैसे मारा होगा तो भाई लोगों में बात यह है कि अपने भाई जो है वो पिक्चर कर रहे हैं सुल्तान नाम की और वो है एक्शन फिल्म तो उस फिल्म के एक सीन के दौरान अनुष्का ने भाई को थप्पड़ मारा ऑब्वियसली तो सिचुएशन ऐसी रही होगी जैसे तो अनुष्का भी जो है ना डायरेक्टर से कह रही होगी कमाल कर रहे हो आप पहली पिक्चर कर रही हो सलमान के साथ आप भी ना कोई रोमांस वोमांस मत करवा लेना मुझसे सीधा थप्पड़ रसीद करवा दिया सलमान भाई उसने का देख थप्पड़ से डर नहीं लगता रोमांस से लगता है वैसे शाहरुख और आमिर को क्यों लगता है डर ये भी बताएंगे लेकिन पहले शिल्पा मैडम उनके साथ थोड़ा योगा शोगा हो जाए है? अब शिल्पा शेट्टी जो है अपनी फिट बॉडी के लिए जानी जाती है और उसका राज है राज उसी का है सर चुप कर राज, राज हमें भी पता है राज तो उसी का है कुंद्रा की बात नहीं हो रही है यहां पर मैं राज की बात कर रहा हूं सीक्रेट तो उनकी फिट बॉडी का सीक्रेट क्या है डेली योगा करना तो शिल्पा शेट्टी योगा सिखाने के लिए जाएंगी दुबई खबरें यह मिल रही हैं कि दुबई की जनता बहुत उत्साहित है शिल्पा से योगा सीखने को लेकर एक तो बात बताओ सही मैं योगा तो बाबा रामदेव भी सिखाते हैं तो बहुत अच्छा सिखाते हैं लेकिन उनसे सीखने में किसी कोई उत्साह ही नहीं है कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता मतलब बाबा जी के योग शिविर में लोगों को देखो ऐसे ही आ जाते हैं कुर्ता पजामा डाल के सीधा वहां पे कई तो बेचारे योगा करते करते सो भी जाते हैं वहां पे लेकिन शिल्पा के कैंप में ना 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 वहां चीजें अलग होगी वहां पे सब सब के सब फेशल करा के करा आएंगे प्रॉपर ड्रेस कोड होगा परफ्यूम लगा कर लोग आएंगे और जिस बंदे से पांच मिनट सीधा नहीं खड़ा हुआ जाता मैं बता रहा हूं आधा आधा घंटा प्राणायाम करेगा शिल्पा जी के साथ क्या आप करिए मैडम शिल्पा जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं वैसे अगर शिटी के साथ योग वो करने का मौका मिले तो तीस मिनट तो मैं भी रोक सकता हूं ऐसी, मतलब अब योग की बात चल रही है सबको करना चाहिए आप लोगों को भी करना चाहिए योगा बहुत जरूरी है तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कंपेटर ऑफ आलिया भट्ट डॉक्टरेट ऑफ बिना सोचे बोलना सोनम कपूर अब उनका ये कहना है कि शाहरुख और आमिर जो है वो कोई भी बयान देने से डरते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने उनके पिछले बयान पर रिएक्ट किया था उन्हें यह डर लगता है कि कहीं दोबारा ऐसा ही रिएक्शन उनके बयान पे ना आए उनका ऐसा विरोध ना हो जाए सही बात है हर बयान जो है वो फिल्म से पहले आता है फिल्म रिलीज होती है उसके बाद वो पलटी मार जाते हैं मतलब सही बात है हमें बिल्कुल रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए धीरे धीरे सोनम आप यकीन जानिए ऐसी हालत हो जाएगी कि ये कुछ भी कहेंगे लोग सुनना तक छोड़ देंगे सोनम का यह कहना है कि कोई भी इंसान जो अपने विचार प्रस्तुत करता है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए अब भले ही वो विचार गलत हो या सही हो सही बात है आम आदमी वैसे सपोर्ट करने के अलावा और करता भी क्या है पहले फैमिली को सपोर्ट करता है फिर अपने एक्टर को सपोर्ट करता है फिर नेताओं को सपोर्ट करता है क्रिकेटरों को भी सपोर्ट करना पड़ता है हिंदुस्तान का आम आदमी जो है ना वो सपोर्टर ज़्यादा लगता है आम आदमी कम का वैसे आपको बता दूँ सपोर्ट जो है वो आजकल मल्लिका शरावट भी मांग रही है वैसे उनकी आ, फिल्म थी मर्डर मतलब कई बच्चों का बचपन जो है वो मर्डर हो गया था उस फिल्म को देखने के बाद याद तो होगा ही आपको है तो मल्लिका ने क्या कहा ये आपको बताते हैं या बताते क्या है आपको दिखाते हैं क्या ना मल्लिका की बात है अगर वो आमने सिर्फ आपको बता दी और दिखाई नहीं तो कई कम तो मानेंगे ही नहीं बिना देखे आइए देखिए मल्लिका का कहना है कि अगर आंखें हैं तो मुझे देखिए सवाल करती हैं आप भी मैडम हम तो कब से आंखें लेके घूम रहे हैं आप ही नहीं दिखती आ, है आजकल है? मतलब हम तो आगे बंद करते हैं तो भी दिखाई दे जाती है आप ये नहीं, मतलब आ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि शो बंद करने का टाइम हो गया है, है? तो दोस्तों हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए मल्लिका को याद करते रहिए इसी नहीं मतलब आ, कल मिलते हैं आपसे है फिर हम और आप मिलके दें के देंगे खबर तो कल तक अपना ख्याल रखिएगा शबक है